हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आपके सिस्टम के अंदर डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो आपको कैसे लेके आना है, कैसे ये प्रॉब्लम आपको ठीक करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मेथड, कुछ तरीके बताऊंगा जिनका यूज करने से आपका जो डिवाइस मैनेजर के अंदर ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है वो वापस आ जाएगा। तो वो ऑप्शन क्या है, वो तरीके क्या है, हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने विंडोज अपडेट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसको आपको यहाँ पर अपडेट्स जितने भी है विंडोज के वो सभी इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है यहाँ पर जो आपका विंडोज है वो अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, अगर इससे भी अपडेट करने के बाद अगर आपका सिस्टम पर डिवाइस मैनेजर के अंदर आपका जो ब्लूटूथ का आइकन नहीं आ रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी मेरे अपडेट्स हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप अपडेट करके आपको चेक करना है कि आपका जो डिवाइस मैनेजर के अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन आया है या नहीं आया है। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ट्रबल शूट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है उसके ऊपर। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये ट्रबल शूट का जो विंडो है ये आपको दिखने लग जाएगा। इसके बाद आपको एक एडिशनल ट्रबल शूटर करके एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम विद ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर रन द ट्रबल शूटर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके ब्लूटूथ में डिवाइस में कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको यहाँ पर फिक्स कर देगा उसको, ठीक है। तो वेट करते हैं, तो यहाँ पर जब तक ये स्कैन कंप्लीट नहीं कर लेता, यहाँ पर इसने प्रॉब्लम को मिला है और उसने उसको फिक्स कर दिया है। तो आप जैसे ही आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर चेक मार्क ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए, यहाँ पर भी इसको बंद कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर आपको वापस से स्टार्ट बटन पर जाना है, यहाँ पर टाइप हेयर टू सर्च, अगर आपका यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक कर लीजिए और आपको रन बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर services.msc ये टाइप करके सर्च करना है, ओके कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ब्लूटूथ का एक ऑप्शन मिलेगा, बी प्रेस करना है, यहाँ पर बी प्रेस किया तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ब्लूटूथ स्पॉट डिवाइस, अगर यहाँ पर इसका सर्विस यहाँ पर आपका डिसेबल्ड है, ठीक है, जैसे आपने इस पर डबल क्लिक किया तो ये डायलॉग ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अगर आपका कुछ ऐसा डिसेबल्ड है, ओके, तो आपको क्या करना है, उसको इनेबल कर लेना है। मैं एक बार इसको डिसेबल कर देता हूँ, अगर आपका कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, अगर आपका ये सर्विस बंद है तो आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, ये डायलॉग ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसको ऑटोमेटिक कर देना है और यहाँ पर उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है।
अप्लाई करोगे तो आपका स्टार्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसको आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेक श्योर करके रखना है कि आपका जो ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस है वो आपका रनिंग में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सेटिंग कर लेना है, इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर वापस से ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर ओपन किया, इसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एड लेगेसी हार्डवेयर पर क्लिक कर दीजिए। तो ये डायलॉग आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको नेटवर्क अडेप्टर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको नेटवर्क अडेप्टर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है इस लिस्ट के अंदर तो आप नेटवर्क अडेप्टर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका मदरबोर्ड जो है या आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपका जो ब्लूटूथ का जो डिवाइस का ड्राइवर है यहाँ पर उसको शो कर देगा, जैसे कि आपका मैन्युफैक्चर कौन सा है, आपका किस कंपनी का लैपटॉप के अंदर जो है हार्डवेयर है वो कौन सा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटेल सिलेक्ट कर लेना है। इंटेल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं ये सारे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे और आपका प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपका जो सिस्टम है उसका ब्राउज़र ओपन कर लेना है आपको। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर जो ये आपका स्टार्ट बटन है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, रन बटन के अंदर जाना है आपको वापस से और यहाँ पर MS Info 32-bit ये टाइप करना है और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लैपटॉप है उसका सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिख जाएगा। हम लोगों को यहाँ से सिस्टम का जो मॉडल नंबर है वो निकालना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आपका सिस्टम है वो डेल का है और यहाँ पर आपका जो लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है वो 5567 है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, 5567, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल डबल फाइव सिक्स सेवन ब्लूटूथ ड्राइवर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेम एज इट इज जिस कंपनी का आपका लैपटॉप है यहाँ पर उसका नाम टाइप करके आपको यहाँ पर ब्लूटूथ ड्राइवर सर्च कर लीजिए और एंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने जो डेल का वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा, आपको पहले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने आपका जो लैपटॉप है उसके ड्राइवर्स आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनुअली फाइंड ए स्पेसिफिक ड्राइवर फॉर, यहाँ पर आपको क्या करना है, साइड में आपको फाइंड ड्राइवर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर उसको एक्सपेंड कर लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे ऑप्शन आपको सामने दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आपने विंडोज 10 है या विंडोज 7 है या फिर विंडोज 8.1 है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पर। या इस लिस्ट के अंदर आपका नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और यहाँ से आप अपना जो सिस्टम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको कैटेगरीज के अंदर आना है, यहाँ पर आपको कैटेगरी के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको नेटवर्क इथरनेट एंड वायरलेस ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आपको ब्लूटूथ का जो ड्राइवर है यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो आपका लैपटॉप है यहाँ पर उसके ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे ब्लूटूथ के। ठीक है, आपको यहाँ पर उसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको डेट के हिसाब से सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर नया वाला है 2020, तो आप यहाँ पर ये वाला डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड करोगे डाउनलोड हो जाएगा आपका, यहाँ पर
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने गलती से मल्टीपल लगा दिए थे, डबल क्लिक हो गया था, तो यहाँ पर ये ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा, आपको वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर मिल जाएगा और आपको क्या करना है उसको इंस्टॉल कर लेना है, तो उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर CMD टाइप करना है सर्च के अंदर, CMD ओके CMD टाइप ओपन करके आपको क्या करना है, जैसे ही आपका यहाँ पर कमांड का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। सो फ्रेंड्स आपके सामने कमांड लाइन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना है DI, यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना है DISM स्पेस देना है आपको स्लैश और ऑनलाइन स्पेस स्लैश क्लीन CLEANUP ठीक है, क्लीन अप टेस्ट IMAGE, इसके बाद आपको स्पेस देना है स्लैश RESTORE HEALTH सेम एज इट इज कमांड आपको यहाँ पर टाइप करना है, आपको ध्यान रखना है कोई मिस्टेक नहीं करना है कमांड के अंदर, और उसके बाद आपको क्या करना है एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। यहाँ पर इसको कुछ यहाँ पर 5 से 10 मिनट लग सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे ही आपका ये कमांड कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ये कमांड आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये कमांड रन करना है SFC /scan now ठीक है। ये जैसे कमांड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था आपको वो ठीक हो जाएगा ठीक है। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो हम लोग एक लास्ट मेथड का यूज करेंगे, उससे आपका डेफिनेटली ठीक हो जाना चाहिए। आपको क्या करना है, आपका विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है, सी ड्राइव के अंदर जाना है, विंडोज के अंदर जाना है आपको, और यहाँ पर आपको सिस्टम 32 का एक ऑप्शन मिलेगा ठीक है, सिस्टम 32 यहाँ पर आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे ही आपके सामने ये ओपन हो जाता है आप यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको सर्च करना है FSQUIRT ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये एक सर्च कर लेना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ऐसा आपको दिखने लग जाएगा, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेंड टू करना है इसको, या फिर आपको पहले ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर जस्ट आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेंड टू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप उसको सेंड टू करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपका वो शॉर्टकट आ जाएगा, आप इस पर डबल क्लिक करके उसको लॉन्च कर सकते हो ठीक है। डबल क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर आइकन भी दिखने लग जाएगा, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और आपका जो डिवाइस मैनेजर के अंदर भी वो आ जाएगा ब्लूटूथ का आइकन जो मिसिंग है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर डिवाइस मैनेजर के अंदर ब्लूटूथ का जो ऑप्शन नहीं आ रहा है वो आपको कैसे लेके आना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।